नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और पौराणिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे देवी गंगा नदी की। आज हम जानेंगे कि गंगा नदी को क्यों आना पड़ा पृथ्वी पर। हमारे देश में अनेक नदियां हैं, लेकिन उन सभी में गंगा का अपना अलग महत्व है। धर्म शास्त्रों के अनुसार गंगा के स्नान मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। गंगा के धरती पर आने की कथा भी बड़ी रोचक है। गंगा, जाह्नवी और भगीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह मात्र एक जल का स्रोत नहीं है, बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी पूजनीय है, जिसे गंगा माँ अथवा गंगा देवी के नाम से सम्मानित किया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग लोक में रहती थी। महाराज भगीरथ को ब्रह्मांड की पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय जाता है। पुण्य सलिल, पाप मोचिनी और सदियों से मोक्ष दिलाने वाली गंगा को भगीरथ अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पृथ्वी पर लाए थे, लेकिन उसके बाद गंगा ने मानव की कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया और यह सब संभव हुआ भगीरथ जी की कठोर तपस्या से। महाराज भगीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वह राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमान के पौत्र थे। अंशुमान महाराज सगर के पुत्र थे। अंशुमान ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया था। उन्होंने इसके लिए घोर तपस्या की और अपना शरीर त्याग दिया। महाराज दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने के लिए अथक प्रयास किए और रुग्णावस्था में स्वर्ग सिधार गए। अब महाराज भगीरथ ने प्रण किया कि वह किसी भी हालत में गंगा को धरती पर लाएंगे और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाएंगे। उन्होंने घोर तप किया और गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। भगीरथ ने जब गंगा को धरती पर लाने के लिए संकल्प लिया, तब उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। जब स्वयं ब्रह्मा उनको वरदान देने आए, तो उन्होंने दो वर मांगे। पहला पितरों की मुक्ति के लिए गंगाजल और दूसरा कुल को आगे बढ़ाने वाला पुत्र। ब्रह्मा ने उनको दोनों वर दिए। साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए हे भगीरथ, गंगा की धरती पर अवतरण के लिए तुमको महादेव से सहायता मांगनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर एक वर्ष तक कठोर तपस्या की। भूत भावन ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया और गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, लेकिन गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। गंगा का सोचना था कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने गंगा को अपने जटाओं में से समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। जब गंगा शिव जटाओं में समा कर रह गई, तो भगीरथ ने फिर से तपस्या का मार्ग चुना। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को बिंदुसर की ओर छोड़ा। गंगा यहां से सात धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। हलादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाहमान होने लगी। सातवीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में जैन मुनि का आश्रम था। गंगा के जल से जैन मुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रोधित होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित होकर समस्त देवता ने जैन मुनि का पूजन किया और गंगा को उनकी पुत्री बताते हुए क्षमा याचना की। देवताओं की प्रार्थना पर जैनु ने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा जैन सुता जाह्नवी भी कहलाने लगी। इसके बाद भगीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तट तक पहुंच गई। यहां से भगीरथ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में ले गए और अपने पितरों की भस्म को गंगा के स्पर्श से मोक्ष करवाया। इस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हे भगीरथ, जब तक समुद्र रहेगा, तुम्हारे पितृ देवतुल्य माने जाएंगे और गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भगीरथी नाम से विख्यात होगी। साथ ही वह तीन धाराओं में प्रवाहित होगी, इसलिए
त्रिपथ का कहलाएगी। राजा भगीरथ ने 100 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उनके महान यज्ञ में इंद्र सोमपान कर मदमस्त हो गए थे। इसके साथ ही भगीरथ ने गंगा के किनारे 2 स्वर्ण घाट भी बनवाए थे। उन्होंने रथ में बैठकर अनेक सुंदर कन्याएं धन धान्य सहित ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया था। गंगा किनारे तीर्थों और मंदिरों का उद्गम होने लगा और इन सब के ऊपर विराजमान हुई वाराणसी नगरी, जिसे बाबा विश्वनाथ के नाम से ख्यात शिव की नगरी माना गया और हरिद्वार, जिसे हर यानी शिव की प्राप्ति का द्वार मानकर तमाम भारत के लोग मृतकों की अस्थियों को इसमें प्रवाहित करते हैं। ऐसा गंगा के जल को हर जीवित भारतीय अपने पास रखना चाहता है और मरणोन्मुख भारतीय आखिरी सांस लेने से पहले अपने गले में गंगा जल को उतार लेना चाहता है। तो भगीरथ के प्रयास को इससे बड़ी और सतत राष्ट्रीय श्रद्धांजलि भला दूसरी कोई क्या हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आज की हमारी यह वीडियो आपको बेहद ही ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गंगा।